हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं और पुरुष को रोजगार देने को कहा जा रहा है। महिलाओं को सिलाई मशीन के द्वारा रोजगार दिया जाएगा और पुरुषों को इसमें कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसमें वो लोग रोजगार शुरू करें। लेकिन जब यहाँ पर महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि पता नहीं इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, लेकिन वो लोग जनता अगर फॉर्म भरती है, कोई योजना निकलती है तो वो लोग इसके पीछे पीछे आ जाते हैं। वही पुरुषों का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी फंडा है, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बाकी इस योजना का लाभ नहीं मिलना है, लेकिन उम्मीद लगा के लोग भरने आते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, तो वो महिलाओं पुरुष दोनों के लिए, जिसमें वो अपना मतलब स्वरोजगार स्थापित कर सके। तो यहाँ पे शायद सिलाई के लिए पैसा दिया जा रहा है। कितना पैसा दिया जाएगा कुछ जानकारी? वैसे तो सुना जा रहा है 15,000 रुपए दिया जा रहा है, उम्मीद तो है मिलने की, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या क्या लग रहा है इसमें? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी और खाता नंबर। तो क्या लगता है इस योजना का लाभ मिलेगा सबको? वैसे तो उम्मीद है, क्योंकि अभी तक मिलता रहा है, हम लोगों ने जितना भी मतलब फॉर्म भरे हैं उसका मिलता रहा है, तो इसकी भी उम्मीद ही है। हाँ लगता है गवर्नमेंट है तो बाकी हाल मिलेगा। वैसे भी इलेक्शन का टाइम है तो कुछ कह ही नहीं सकते। कौन सी योजना के तहत भर रहा है ये? तो इस योजना से क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को? अब मैं सिलाई करते हैं, सिलाई के से जो कुछ भी योजना आप लोगों की कुछ भी। जब इस बारे में यहाँ के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। अभी तक 100 फॉर्म भर चुके हैं और इसका कोई टारगेट नहीं है, जितने लोग आकर इसमें हिस्सा लें उतने लोग ले सकते हैं। आज मान लो 5 साल हो गए आवास का फॉर्म भरते भरते, आज तक आवास नहीं आया। आवास आया, गए बोले हमें 20,000 रुपए पहले दो, फिर तुम्हारा आवास निकलेगा, हम क्या करें? इसीलिए विश्वकर्मा का फॉर्म नहीं भरा। 3,000-4,000 किराए दे रहे, कुटी आवास नहीं मिल रहा, ना हमारे किराए से हैं, छोटा सा प्लाट है उसका भी नहीं मिल रहा है, जिसके 3-3 मकान बने, उनके 3-3 मंजिल बने, उनके कुटी आ रही आवास योजना का, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।